नमस्कार दोस्तों, सुधा की रसोई में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपनी रसोई में बनाने जा रही हूँ मीठी अजवानी, जिसे हम हरियरा के नाम से भी जानते हैं, जो बहुत ही सेहतमंद होती है, जिसे पूड़ी या रोटी के साथ खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और घंटी का बटन जरूर ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं, वह आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, अब वीडियो को लंबा ना करते हुए हमें अजवानी बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी, मैं वह आपको बता देती हूं। जिसमें मैंने लिया है 2 से 3 टुकड़ा सूखा नारियल, 6 से 7 बादाम, 6 से 7 काजू, थोड़ी सी किशमिश और 2 छुहारा मैंने ले लिया है। फिर उसके बाद हमें अजवानी बनाने के लिए कुछ और सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी, वह भी मैं आपको बता देती हूँ। जिसमें मैंने लिया है शक्कर, चावल का आटा, अजवानी बनाने के लिए तेल, जीरा और हल्दी मैंने ले लिया है। दोस्तों, यह थी हमारी अजवानी में पड़ने वाली सभी सामग्री। और दोस्तों, हमें अजवानी बनाने के लिए सबसे पहले हमें ड्राई फ्रूट्स को 5 से 6 घंटे पहले पानी में भिगोकर रख देना है, ताकि हमारे ड्राई फ्रूट्स पानी में अच्छी तरह से फूल जाएं। दोस्तों, अब 6 घंटे हो गए हैं और हमारे ड्राई फ्रूट्स भी अच्छी तरह से फूल चुके हैं। फिर हम अपने ड्राई फ्रूट को मिक्सर के जार में पीसेंगे, जिसके लिए हम मिक्सर के जार में ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा सा पानी डालेंगे पीसने के लिए। और दोस्तों, हमें ध्यान रहे मिक्सर के जार में छुहारे के बीज निकाल कर ही डालना है, नहीं तो हमारे मिक्सर का ब्लेड टूट सकता है। दोस्तों, अब मैंने अपने ड्राई फ्रूट्स को बारीक पीस कर ले लिया है। फिर अब देर न करते हुए हम फटाफट अजवानी बनाएंगे, जिसके लिए पहले हम गैस चलाकर कढ़ाई को गैस पर रख देंगे गर्म होने के लिए। दोस्तों, अब हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है। फिर हम कढ़ाई में चावल का आटा डालकर आटे को हल्का सुनहरा होने तक रोस्ट कर लेंगे। दोस्तों, अब हमारा आटा सुनहरे कलर का हो गया है। फिर हम आटे को एक कटोरी में निकाल लेंगे। दोस्तों, मैंने आटे को भूनकर एक कटोरी में ले लिया है। फिर हम ड्राई फ्रूट्स को पकाएंगे, जिसके लिए पहले हम कढ़ाई में डालेंगे तेल, जीरा, पिसा हुआ ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालकर हमें ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरह से पका लेना है। दोस्तों, जब तक हमारा ड्राई फ्रूट्स पक रहा है, तब तक हम रोस्ट किए हुए आटे में पानी डालकर आटे को पतला घोल तैयार कर लेंगे, जिसके लिए हम एक थाली लेकर थाली में लेंगे रोस्ट किया हुआ आटा और पानी डालकर हम आटे का पतला घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। दोस्तों, अब हमारे आटे का पतला घोल बनकर तैयार है। फिर हम अपने कढ़ाई की ओर देख लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं देख रही हूँ, हमारे ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरह से पक गए हैं, क्योंकि हमारे ड्राई फ्रूट्स का पानी जल चुका है। फिर हम कढ़ाई में आटे का घोल और शक्कर डालकर अच्छे से चलाते रहेंगे, जब तक कि हमारी अजवानी थोड़ी गाढ़ी ना हो जाए। दोस्तों, अब हमारी अजवानी गाढ़ी हो गई है, इसका मतलब हमारी अजवानी बनकर तैयार है। फिर हम गैस को बंद करके अजवानी को एक बाउल में निकाल लेंगे। और दोस्तों, कभी भी आपको ऐसी मीठी अजवानी खाने का मन करे, तो एक बार मेरे बताए हुए आसान तरीके से अजवानी बनाकर जरूर खाइए। और सुधा की रसोई में अपना कमेंट शेयर कीजिए कि आपको मेरी बताई हुई अजवानी की रेसिपी कैसी लगी। और दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।